एरियल न्यूज़। ये कहानी है दो प्यार करने वालों की जिनका स्वभाव एक दूसरे के विपरीत है लेकिन अपने दिल में एक दूसरे को जगह भी देते हैं। यह कहानी है कलर्स टीवी के सिर्फ तुम सीरियल की। कलर्स टीवी पर चल रहा यह शो दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हो चुका है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं 25 अप्रैल यानी आज की एपिसोड में क्या होने वाला है। आपको बता दें कि एपिसोड की शुरुआत सुहानी द्वारा रणवीर को नोटिस करने से होती है। रिया उससे पूछती है कि वह क्या सोच रही है। वहीं सुहानी का कहना है कि रणवीर ने उसे बचाने के लिए इतना बड़ा जोखिम उठाया और वह अभी तक उसे धन्यवाद भी नहीं दे सकी। उसके लिए धन्यवाद देने के लिए उसके पास एक लंबी सूची है। रिया यह सुनकर चिढ़ जाती है और सुहानी कहती है कि यह वह अंश को छोड़ना चाहती है और हमेशा के लिए रणवीर के साथ रहना चाहती है। यही कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। वह उसके लिए अपने प्यार का इजहार करना चाहती है लेकिन वह उससे नाराज है। उसे विश्वास है कि वह कश्मीर छोड़ने से पहले उसे मना लेगी। वह कहती है कि रणवीर द्वारा विवाह स्थल पर देर से पहुंचने का कारण बताए जाने के बाद वह खुद को दोषी महसूस कर रही है। इसी बीच मास्टर ने सुहानी का पीछा किया और अंश ने उसे देख लिया। वहीं ममता ने आशा का अपमान करते हुए कहा कि आशा उनसे केवल पैसे और गहने चाहती है इसीलिए वह उसे वह सब दे रही है। और फिर आशा रणवीर के लौटने से पहले घर छोड़ देती है। अब आगे के एपिसोड में क्या होगा ये देखना तो दिलचस्प रहेगा। आज की खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एरियल न्यूज। धन्यवाद।